Hello everyone, welcome to the Innocent Chemistry, and we are already started group theory. This is the fourth video of group theory. Three videos are already uploaded. So इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि point group क्या होता है. पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि symmetry group क्या होता है. symmetry group क्या होता है, किसी molecule के लिए उस molecule के अंदर जो जो symmetry element present है उन सबका collection क्या होता है, symmetry group होता है. तो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट के कलेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ग्रुप. तो पॉइंट ग्रुप को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो देखो फर्स्ट क्या आता है, मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री. लो सिमेट्री के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, जिन मॉलिक्यूल के अंदर या तो सेट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ही नहीं या होगा तो उसके अंदर सी वन होगा. दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाई सिमेट्री होता है, हाई सिमेट्री एक्सिस और रोटेशन में हाई होगा, जैसे सी टू हो गया या सी थ्री हो गया या सी सिक्स सी सेवन तक ही, जिन मॉलिक्यूल में ये वाले सिमेट्री वो कौन से होते हैं, हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री वाले में आएंगे. मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में कौन कौन से आएंगे, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आएंगे, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स आएंगे, और जिन मॉलिक्यूल में सी इंफिनिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वाले मॉलिक्यूल को स्पेशल सिमेट्री में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री. तो मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री में सबसे पहले मैं बात करूं वो मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल में सिर्फ आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट करता है, वो मॉलिक्यूल जिनके सिमेट्री ग्रुप में सिर्फ एक ही सिमेट्री एलिमेंट होता है आइडेंटिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं सी हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन और ये हो गया फ्लोरीन. इस मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की कोई भी सिमेट्री नहीं है, जैसे ना इसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ना इसके अंदर कोई ऐसा कोई प्लेन पास हो रहा है जो मॉलिक्यूल को टू पार्ट्स में डिवाइड करे, ना इसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ना इसके अंदर एसेंस सिमेट्री एलिमेंट है, तो कोई भी नहीं है. और जिन मॉलिक्यूल में कुछ भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता उसके अंदर एक आइडेंटिटी तो जरूर मिलेगा. और आइडेंटिटी की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी उस टाइम बताया था आइडेंटिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, सी वन लिख सकते हैं. क्यों, सी वन मतलब 360 से इस मॉलिक्यूल पे मैं कौन सा ऑपरेशन लगा दूं, इसको 360 डिग्री से मैं क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, सेम ही मॉलिक्यूल आ जाएगा मेरे पास. तो मतलब सी मतलब 360 से रोटेट किया, मतलब एन की वैल्यू कितना हो गया 360 डिवाइड बाय 360 मतलब वन, मतलब इसके अंदर सी वन एक्सिस है इसका मतलब, तो सी वन एक्सिस मतलब आइडेंटिटी बोलेंगे. तो इसलिए इस सिमेट्री ग्रुप का एक्सप्रेशन नाम देंगे जिसको बोलेंगे पॉइंट ग्रुप, उसका नाम होगा सी वन पॉइंट ग्रुप. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होता है, उन मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप होता है सी वन. वन यहां से, ये वन कहां से आया है, ये यहां से आया 360 डिवाइड बाय 360 जिसकी वजह से इनकी वैल्यू कितना आ गया वन, तो सी वन पॉइंट ग्रुप बोलेंगे इसको यहाँ पे. सेकेंड बात करूं, पहले मैं यहां पे बात बता देता हूं, जैसे कोई भी सिमेट्री ग्रुप होता है, कोई भी सिमेट्री ग्रुप होता है उसके अंदर कितने सिमेट्री एलिमेंट है, कितने सिमेट्री एलिमेंट है वो क्या होता है, उस ग्रुप का ऑर्डर होता है जिसको एच से डिनोट करते हैं. तो मतलब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है कि उस ग्रुप के अंदर कितने सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, उन सिमेट्री एलिमेंट का टोटल काउंट क्या होता है, ऑर्डर होता है जिसको एच से डिनोट करते हैं. अगर मैं बात करूं अभी पहले कौन सा पॉइंट ग्रुप पढ़ा था, सी वन पॉइंट ग्रुप पढ़ा था, इसके अंदर सिर्फ एक ही सिमेट्री एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, मतलब इस ग्रुप के लिए एच की वैल्यू कितना होगा, वन होगा, सिर्फ वन. अब सेकेंड पढ़ते हैं जिन मॉलिक्यूल में दो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका बेंजीन ओ ये एच, एक ऐसा मॉलिक्यूल है इसके अंदर अगर यहां से मैं वो एक्सिल डालू रोटेट करूं तो हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा, बल्कि यहां पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर मतलब इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, यहां से कोई एक्सिस पास नहीं कर सकता इसको रोटेट करने के लिए, तो इसके ना ही कोई एक्सिस है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक प्लेन है. अगर ये मॉलिक्यूलर प्लेन है वो प्लेन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और 6 के 6 कार्बन के अंदर से पास हो, वो वाला प्लेन ऐसे जो बिल्कुल पास होगा,
एक वही वाला प्लेन इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसके अंदर सिर्फ कौन कौन से स्मृति एलिमेंट प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल में, एक तो प्रेजेंट है ई और एक सिग्मा, एक प्लेन अवेलेबल है। तो सिर्फ इसके अंदर क्या अवेलेबल, दो अवेलेबल है, और दूसरा कौन सा अवेलेबल है यहाँ पे, प्लेन। अगर कहने की बात यह है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो और एक प्लेन प्रेजेंट हो, तो उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप होगा सी एस पॉइंट ग्रुप होगा। और इस पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, इस पॉइंट ग्रुप के लिए एच की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो सिमेट्री एलिमेंट है, एक तो आइडेंटिटी और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसके एक और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कार्बन, एक मैंने लगा दिया है यहां पे क्लोरीन, बैक साइड में है, फ्रंट साइड में मैंने लगा दिया ब्रोमीन, प्लेन में एक हाइड्रोजन ये और एक प्लेन में एक हाइड्रोजन ये, ऐसे कुछ मैंने स्ट्रक्चर बना दिए। तो ध्यान से देखो, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, इस प्लेन में हो गए, ये वाला क्लोरीन बैक साइड में, ये वाला ब्रोमीन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रंट साइड में हो गया। अगर मैं इसके अंदर से ऐसे प्लेन पास करूं, एक ऐसा प्लेन पास करूं जो कार्बन क्लोरीन और ब्रोमीन एटम तीनों के अंदर से क्या हो, पास हो, तो क्या होगा, वो प्लेन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस साइड रिफ्लेक्ट करेगा और इसको इस साइड रिफ्लेक्ट करेगा, और ये वाला क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो इसके अंदर क्या सिर्फ यही प्लेन है, ना इसके अंदर कोई एक्सिस अवेलेबल। अगर मैं, आप सोच रहे हो कि यहां से मैं एक एक्सिस डालू और इसको रोटेट कर दू सी टू से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ब्रोमीन और क्लोरीन यहाँ पे अलग अलग है, यहां से कोई एक्सिस पास नहीं कर सकता, ना इस साइड से कोई एक्सिस पास कर सकता, ना इसके अंदर आई ग्रुप, मतलब ना इसके अंदर कोई आईडी मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ना इसके अंदर SN सिमेट्री एलिमेंट है, कोई भी नहीं है। सिर्फ इसके अंदर क्या एक ही अवेलेबल है, एक ही अवेलेबल है प्लेन, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या होगा, सी एस पॉइंट ग्रुप होगा। और इसके अंदर भी कौन कौन सिमेट्री एलिमेंट होंगे, ई और सिग्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप होगा सी एन। सी एन पॉइंट ग्रुप कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, जिन मॉलिक्यूल में एक तो आइडेंटिटी अवेलेबल हो और एक सी एन एक्सिस अवेलेबल हो, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ना कोई प्लेन होना चाहिए, ना कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ना ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आइडेंटिटी और सी एन एक्सिस, एक एक्सिस होना चाहिए बस। इस ग्रुप का, इस पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, एन के इक्वल होता है। सी टू है तो इस ग्रुप के लिए ऑर्डर एन होगा, अगर टू है तो टू ऑर्डर होगा, सी थ्री है तो ऑर्डर थ्री होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है H2O2, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये ऑक्सीजन, यहां पे ये वाली ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, क्या है कि ये वाली हाइड्रोजन वैसे फ्रंट साइड की साइड टिल है, और ये भी हाइड्रोजन फ्रंट साइड की साइड ऐसे टर्न हुई है, दोनों हाइड्रोजन फ्रंट साइड में से टर्न है, तो इसका बुक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा, जैसे बुक को रीड करते हैं ना ऐसे हाफ ओपन करके वैसे। तो इसके अंदर क्या है, अगर यहां से ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के मैंने बिल्कुल सामने से एक एक्सिस पास कर दिया, इस एक्सिस को मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया, तो क्या हो जाएगा, ये वाली हाइड्रोजन रोटेट होके यहां पे आ जाएगी और ये वाली हाइड्रोजन रोटेट होके यहां पे आ जाएगी, पर रहेंगी दोनों फ्रंट साइड में फिर भी। तो इसके अंदर सिर्फ क्या है, यही एक सी टू एक्सिस है और इसके अंदर कोई भी एक्सिस अवेलेबल नहीं है, ना इसके अंदर ये वाला प्लेन है, ये सब प्लेन पास में तो ये हाइड्रोजन साइड रिफ्लेक्ट होगा, जो कि इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। अगर आप इसके अंदर सोच रहे हो कि आई ग्रुप है, मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, जिसके अंदर वो भी नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्रंट साइड में है, अगर इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन निकालेंगे इस हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन ग्रीन बोर्ड के बैक साइड में होना चाहिए था, तो ये जाके इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन आता, इसके अंदर वो भी नहीं है। तो सिर्फ इसके अंदर क्या है, एक तो मतलब आइडेंटिटी अवेलेबल है इसके अंदर, और एक सी टू एक्सिस अवेलेबल है। अगर सी टू एक्सिस को मैं अच्छे से ओपन भी करूं तो क्या हो गया, C21 तो ठीक है, C22 क्या था, आइडेंटिटी जो पहले से इसके अंदर अवेलेबल है, तो टोटल कितने हो गए, सिर्फ E और C21 हो गया। तो कितने एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट हो गए इस ग्रुप में, दो। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, दो। और इसका पॉइंट ग्रुप कितना हो गया, C2 पॉइंट ग्रुप। तो मतलब C2 पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना हुआ, टू। C3 पॉइंट ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, थ्री। C4 का कितना होगा, फोर पॉइंट ग्रुप होगा। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है सी एन वी पॉइंट ग्रुप, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर आइडेंटिटी होगा, सी एन एक्सिस होंगी,
और एन टाइम ही सिग्मा वी होंगे। अगर सी टू एक्सिस है तो 2 सिग्मा भी होंगे, सी थ्री एक्सिस है तो 3 सिग्मा भी होंगे। तो इस टाइप के जिन मॉलिक्यूल में ये वाले सिमेट्री एलिमेंट होगी उसके अंदर कौन सिमेट्री होगी, सी एन वी टाइप की का पॉइंट ग्रुप होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, फेमस एग्जांपल है वाटर H1 H2। अगर यहां से मैं इसके अंदर से ऐसे एक्सिस पास कर रहा हूं तो क्या होगा, ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, C2 एक्सिस हो गया। तो मतलब इसके अंदर E है, C2 एक्सिस हो गया। अगर मैं इसके अंदर से ऐसे पास करूं कि ये वाला प्लेन जो दोनों हाइड्रोजन के बीच से जा रहा है, ये वाला प्लेन, ये इस हाइड्रोजन को इस साइड रिफ्लेक्ट करेगा और इसको इस साइड रिफ्लेक्ट करेगा, तो इस वाले प्लेन को मैंने नाम दे दिया सिग्मा वी है एक प्लेन तो, और एक प्लेन ये वाला जो ऑक्सीजन ये दोनों हाइड्रोजन के बीच से पास हो रहा है, ऐसे तीनों एटम को ऐसे कट करता हो, तो इस प्लेन का नाम दे दिया मैंने सिग्मा वी डैश। तो कितना हो गया 4। तो इन सिमिट्री ये वाला जो पॉइंट ग्रुप होता है इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 2n से निकालते हैं। इसका कितना हो गया 2n, n की वैल्यू कितनी है इसके लिए, सी टू एक्सिस है इसके अंदर, तो इसका पॉइंट ग्रुप कितना हो गया C2। n टाइम ही क्या है, v है, मतलब 2 है तो 2 ही क्या है, सिग्मा v है, तो इसलिए C2V पॉइंट ग्रुप हो गया। इसके लिए ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2 = 4, जो कि देखो सही है, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया C2V का। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल बताऊं, जैसे C3V के लिए NH3 H और ये वाला H ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3। इसके अंदर क्या होता है, एक तो आइडेंटिटी होता है जो हर एक मॉलिक्यूल में मिलता है, ऊपर से ऐसे पास करो तो कौन सी एक्सिस है, ऐसे पास होगी कौन सी एक्सिस होगी वाली C3 एक्सिस होगी। वो एक्सिस जैसा इसको मैं ये मॉलिक्यूल ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको अगर ऐसे करके दिखाऊं, इसको बैक साइड से देखूं तो क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। तो वो एक्सिस C3 एक्सिस ये ऐसे पास हो रही है यहां से इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, C3 एक्सिस हो जाएगा इसके अंदर, एक तो C3 एक्सिस हो गया, और इसके अंदर 3 सिग्मा V है, कैसे, एक सिग्मा V तो ऐसे जो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन 1 से पास हो। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बताऊं मतलब ऐसा प्लेन बिल्कुल ऐसे पास हो जो इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से ऐसे पास हो, जो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 को क्या रिफ्लेक्ट करे, मतलब अगर इस वाले मॉलिक्यूल में बताऊं तो ऐसे ये वाला, तो एक सिग्मा भी ये हो गया, एक सिग्मा भी ये वाला हो गया, और एक सिग्मा भी ये वाला हो गया, तो कितने सिग्मा भी हो गए, 3 सिग्मा V हो गए, तो सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश नाम रख दिया। यहाँ पे वही C3 है, C3 में कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, 2 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, तो कितना होगा टोटल 3, C3 1 C3 2, सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश, 1 2 3 4 5 6, मतलब C3V पॉइंट ग्रुप आ गया। कौन सी एक्सिस है, C3 3 times इसके अंदर सिग्मा V है, इसलिए C3V पॉइंट ग्रुप होगा। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 × 2 = 6। ऐसे इसके और एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि इसका एग्जांपल है Cl F3, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1/2 7+3 10 5 T से स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या जाएंगे, 2 लोन पेयर, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, लोन पेयर को हटा देता हूं। तो इसके अंदर देखो, अगर यहां से मैं ऐसे पास करूं, C2 एक्सिस हो गई वाली, और एक ये वाला तो प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन, एक तो ये वाला प्लेन हो गया जो इन चारों एटम से पास हो रहा है, इनको चारों एटम को कट करते हुए पास हो रहा है, और एक ये वाला प्लेन जो इस क्लोरीन और इस फ्लोरीन के अंदर से पास हो रहा है, जो इन दोनों फ्लोरीन को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी C2 सिग्मा V और सिग्मा V डबल डैश क्या सिमेट्री एलिमेंट हो गए, और C2 n 2 times क्या इसके अंदर सिग्मा V, इसलिए C2
वी पॉइंट ग्रुप हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की, जो पॉइंट ग्रुप है सी एन एच पॉइंट ग्रुप। देखो सी एन एच पॉइंट ग्रुप कौन 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 सा होता है, जिस मॉलिक्यूल में ई होता है, सी एन होता है, सिग्मा एच होगा और एस एन होगा, उन पॉइंट जिस सिमिट्रिक ग्रुप में ये इस टाइप के सिमिट्रिक एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, सी एन एच पॉइंट ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे दो तीन बात ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो फर्स्ट बात तो ये है कि मान लिया मेरे पास कोई सिमिट्री ग्रुप है, इसके अंदर एक तो है आइडेंटिटी और एक है सी एन एक्सिस जो कि क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी सिमिट्री ग्रुप में सिर्फ क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो मेरे पास, मतलब उसके अंदर क्या होना हो, उसके अंदर सेकेंडरी एक्सिस नहीं हो, सिर्फ क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो उस मॉलिक्यूल में या तो सिग्मा वी एग्जिस्ट करेगा या सिग्मा एच एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा वी और सिग्मा एच उस मॉलिक्यूल में एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। सेकंड बात, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा एच है, किसी भी सिमिट्री ग्रुप में सिग्मा एच है, तो उस ग्रुप में 100% एस एन होगा। सेकंड बात ये नोट करने की है कि जिस मॉलिक्यूल में सिग्मा एच प्लेन है उस मॉलिक्यूल में एस एन सिमिट्री 100% होगी, जिस मॉलिक्यूल में सी एन प्रिंसिपल एक्सिस है और सेकेंडरी एक्सिस नहीं है, उन मॉलिक्यूल में या तो सिग्मा वी मिलेगा या सिग्मा एच मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं अभी एग्जांपल से, सी डबल बॉन्ड सी क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं। अगर ये वाला मेरा प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, इस प्लेन में क्या, अगर मैंने ये वाली एक्सिस पास की, ये वाली सामने से एक एक्सिस पास कर दी, ये जो इसके पॉइंट से पास हो रही है, इसको मैंने कितना रोटेट कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो क्या होगा, 180 रोटेट पर क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन इस पोजिशन पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पोजिशन पे आ जाएगा। तो मतलब इसके अंदर क्या है, एक सी टू एक्सिस है, तो नोट करते हैं इसके अंदर ई हो गया, सी टू एक्सिस हो गया, ठीक है, और क्या इसके अंदर कोई, देखो इसके अंदर ना ही, अगर एक्सिस ये है प्रिंसिपल एक्सिस अपनी ये वाली है, तो ना ही तो इसके अंदर ये वाला प्लेन है सिग्मा वी, क्लोरीन हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट होंगे फिर, ना ही ये वाला प्लेन है, क्यों, फिर इसमें ये वाले क्लोरीन ये वाले हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट होंगे, तो मतलब इसके अंदर कोई सिग्मा वी नहीं है। अगर ये वाली एक्सिस है तो इसके अंदर सिग्मा एच प्लेन है, जो जितने भी एटम है क्लोरीन हाइड्रोजन ये दोनों कार्बन, ये वाली हाइड्रोजन ये वाली क्लोरीन, सबको ऐसे उन एटम को बीच से कट करता जा रहा है वो वाला प्लेन, मतलब इस मॉलिक्यूलर प्लेन है इसके अंदर, तो क्या हो गया सिग्मा एच है। तो देखो क्या हो गया, इस प्लेन में सिग्मा एन भी है और सिग्मा एच भी है, मतलब एक सी एन एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, तो उस मॉलिक्यूल में क्या होता है एस एन भी होगा, तो यहाँ पे कौन सा एन होगा, अगर इसको रोटेट करो तो कौन सी सी एन एक्सिस है, ये सी टू एक्सिस है, तो इसके अंदर एस टू सिमिट्री एलिमेंट होगा। अभी इसको अच्छे से एक्सपेंड करते हैं, ई सी टू वन सी टू टू किसके कुल हो जाएगा, आइडेंटिटी के कुल हो जाएगा, ये एक बार आ चुका है इसलिए इसको क्या कर देंगे, भगा देंगे यहां से। उसके बाद सिग्मा एच हो गया, ठीक है, अब ये एस टू है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, E1, अगर E1 है तो एस एन ऑपरेशन में अगर N की वैल्यू क्या होती है, अगर E1 होती है, अगर ये N की वैल्यू क्या होती है, अगर E1 होती है तो एस एन ऑपरेशन N टाइम ऑपरेट होता है, पढ़ चुके हैं पीछे ये वाली बात, तो मतलब S21 और S22, S22 अब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो इसको फिर से बता देंगे यहां से, ये रह गया। आप एक बात नोट कर लो, इसका प्रूफ मैं आपको बाद में दूंगा, आगे की वीडियोस में जो थोड़ा और ज्यादा पढ़ लेंगे तब इसका अच्छे से प्रूफ मिलेगा, कि S21 होता है वो हमेशा I के इक्वल होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन के इक्वल होता है, मतलब C21 की मल्टीप्लाई उसके परपेंडिकुलर किसी प्लेन से कर दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा I के इक्वल होती है, वाली बात हमेशा नोट करके रखना।
जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ना वहां पे इसका प्रूफ मिलेगा। ठीक है, तो एक इसके इक्वल हो गया यहाँ पे आई के इक्वल हो गया। तो मतलब इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होंगे अगर इसकी बात करूं, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, सी टू एच पॉइंट ग्रुप। तो सी टू एच पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है, ई सी टू वन सिग्मा एच आई। इसका ऑर्डर कितना होगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब इसका ऑर्डर कितना होता है, टू एन के इक्वल होता है ना, तो टू एन फोर, तो फोर ये यहाँ पे ई सी टू वन सिग्मा एच और आई। इसका अगर और एग्जाम्पल दू मैं एस थ्री बी ओ थ्री, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ब्रोमीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे और ये हाइड्रोजन ऐसे। देखो इस मॉलिक्यूल में क्या है, सामने से सी थ्री एक्सिस पास हो रही है, तो इसके अंदर सी थ्री एक्सिस है, आइडेंटिटी है सी थ्री है। उसके बाद अगर इसको ऐसे रखूं तो इसके अंदर कोई सिग्मा वी प्लेन भी नहीं, अगर यहां से पास करूं तो ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी यहां से, अगर ऐसे पास करूं तो ये वाली, मतलब कोई भी सिग्मा वी प्लेन नहीं है, सिग्मा एच प्लेन है। अगर पूरे मॉलिक्यूल इसको काटता हो जाए सब एटम्स को तो सिग्मा एच है, और बताया था अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा एच है और सी थ्री भी है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, एस एन मिलेगा, एन की वैल्यू मतलब एस थ्री मिलेगी। ये वाली बात हो गई यहाँ पे। अब देखो अच्छे से तो एक्सपेंड करते हैं, ई सी थ्री में कौन कौन से, सी थ्री वन और सी थ्री टू सिग्मा एच, सही है। अब देखो एस थ्री, एस थ्री मतलब एस एन में क्या होता है, अगर एन की वैल्यू क्या होती है, अगर ओड होती है तो इसको टू एन टाइम्स ऑपरेट करते हैं, मतलब थ्री है तो इसको सिक्स टाइम ऑपरेट करेंगे। तो देखते हैं एस थ्री वन किसके इक्वल होगा, सी थ्री वन और सिग्मा वन के इक्वल, तो ये ठीक है, ये तो एस थ्री वन के इक्वल ही आ गया। एस थ्री टू मतलब सी थ्री टू और सिग्मा का स्क्वेयर, ये क्या हो गया आइडेंटिटी हो गया, सिग्मा स्क्वेयर क्या हो गया आइडेंटिटी, मतलब सिग्मा की पावर अगर ईवन होती थी आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कोई चेंज नहीं, इसलिए कितना हो गया सी थ्री टू हो गया। उसके बाद एस थ्री थ्री, सी थ्री थ्री और सिग्मा थ्री, सी थ्री थ्री कितना होता है आइडेंटिटी होता है, और सिग्मा की पावर ओड मतलब सिग्मा की होता है, मतलब सिग्मा की पावर एन होता है, तो क्या होता है या तो आइडेंटिटी होगा या सिग्मा की इक्वल होगा, कब, जब एन की वैल्यू क्या होगी इवन, और सिग्मा कब होगा जब एन की वैल्यू क्या होगी ओड, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है ओड है, तो मतलब ये तो क्या हो गया आइडेंटिटी और ये क्या हो गया सिग्मा, तो कितना हो गया सी थ्री सॉरी आइडेंटिटी इंटू सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। उसके बाद सिग्मा कौन सा होगा, सिग्मा एच ही होगा, एक एच देखा जाए तो इस सी थ्री एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाते हैं, अगर मैंने सी थ्री एक्सिस ले रखा है इस मॉलिक्यूल में तो इसके अंदर कौन सा प्लेन लगाते हैं एस थ्री में, एस एन एक्सिस में परपेंडिकुलर लगाते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब सिग्मा एच, तो ये टाइप है सिग्मा एच ही है। उसके बाद एस थ्री फोर मतलब सी थ्री फोर सिग्मा की फोर, सिग्मा की पावर इवन मतलब आइडेंटिटी, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा है ना, थ्री नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा फोर माइनस थ्री हो जाएगा, तो मतलब सी थ्री वन आइडेंटिटी, ये किसकी इक्वल हो गया सी थ्री वन के इक्वल हो गया। एस थ्री फाइव सी थ्री फाइव और सिग्मा की पावर फाइव, सी थ्री फाइव और सिग्मा कुछ भी नहीं कटेगा इसमें से, तो किसकी इक्वल हो गया एस फाइव के इक्वल हो गया। उसके बाद बात करूं एस थ्री सिक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो अब इसके अंदर कौन कौन सिमेट्री एलिमेंट है, अगर अच्छे से लिखूं मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इसके, एस थ्री वन ठीक है, सी थ्री टू पहले से लिख चुके हैं, ये वाली एक्सिस होगी ठीक है, नहीं लिखेंगे इसको दोबारा, सिग्मा एच हाँ है, सी थ्री वन यस है, एस फाइव ठीक है, और यहां से आइडेंटिटी आएगा ये पहले से, तो इसके अंदर कौन कौन सिमेट्री एलिमेंट हो गए इस सिमेट्री ग्रुप में, एक दो तीन चार पांच छह छह, आज का पॉइंट ग्रुप कितना होगा सी थ्री है सिग्मा एच है, तो सी थ्री एच, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका टू एन टाइम मतलब टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स होगी, यहाँ पे भी छह है, तो ये वाली बात सही है। जब भी एस एन सिमेट्री और सी एन आए तो उसको ऐसे एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा
कि इसमें कौन कौन सी SN की और कौन कौन सी सिग्मा वाली है, कौन कौन सी रोटेशनल एक्सिस की, उनको ऐसे ही फिर डिवाइड करके अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे देख लेते कि यहाँ इसके अंदर चार है, 1 2 3 4, तो वहीं पे आंसर क्या हो जाता, पर रॉन्ग हो जाता। इसका ऑर्डर 4 नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है, 6। C3 और S3 को एक्सपेंड करके देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे D N पॉइंट ग्रुप, D N H पॉइंट ग्रुप, D N D पॉइंट ग्रुप, ये सब पॉइंट ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए बस इस वीडियो में इतना। थैंक यू।